हेलो एवरीबॉडी गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम वंस अगेन, यू गाइस आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल पिगनेट फैंटेसी क्रिकेट। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं गाइस पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो सीरीज़ का फर्स्ट मैच खेला जाएगा, टेस्ट मैच, जो कि खेला जाएगा सेंचुरियन के इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो गाइज़ बात करेंगे इस वीडियो में दोनों टीम की पॉसिबल इलेवन क्या हो सकती है, ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। सबसे पहले पिच की बात कर लें गाइज़, सेंचुरियन की पिच, पहले तो सेंचुरियन का साउथ अफ्रीका की पिचेस के बारे में बात कर लें तो साउथ अफ्रीका की पिचेस में जो है बाउंस काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में पेस काफ़ी तेज़ बॉल आता है, न्यूजीलैंड की पिचेस में स्विंग होता है, उसी तरह साउथ अफ्रीका के पिचेस में बाउंस काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो मीडियम पेसर जो अच्छी बाउंस करा सकते हैं वो उनको आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। वहीं बाकी बात करें बैटिंग स्कोर कार्ड के टोटल के हिसाब से, तो एक्सपेक्टेड टोटल जो है वो 350 के आसपास, दोनों ही टीम अच्छी बल्लेबाजी रखती हैं तो दोनों ही टीमों को देखते हुए 350 के आसपास जो है एवरेज टोटल रहेगा एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद सेकंड इनिंग में तो आपको पता ही है कि चौथे और पाँचवें दिन पिच थोड़ी ढीली हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल इलेवन क्या हो सकती है इस मैच में। सबसे पहले बात करते हैं इस पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक लंबा स्क्वाड लेकर आया है इस मैच, इस सीरीज़ के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए 16 मेंबर का इनका स्क्वाड है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग पेयर की, तो इमामुल हक और फ़खर जमान इनके ओपनिंग करेंगे। फ़खर जमान ने मात्र एक टेस्ट मैच खेला लेकिन उसमें काफ़ी अच्छा खेला है, 150 के आसपास इनके रन है। अजहर अली, हैरिस सोहेल, अशार शफीक, बाबर आजम, और बाबर आजम ने रिसेंटली अभी जो वार्म अप मैच खेला गया था उसमें शतक भी बनाया है। उसके बाद विकेट कीपर कैप्टन है इनके सरफराज अहमद, फिर आएंगे हसन अली, यासिर शाह जरूर खेलेंगे, लेग स्पिन में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मोहम्मद अब्बास, उसके बाद 11 नंबर पर मोहम्मद आमिर या फिर शाहीन शाह अफरीदी में से कोई एक, ज्यादा चांसेस हैं शाहीन शाह अफरीदी के खेलने के। बात करें गाइस साउथ अफ्रीका की टीम की, तो साउथ अफ्रीका की टीम को एक झटका सबसे पहले तो आपको मैं न्यूज़ के तौर पर बता दूं, वर्नॉन फिलेंडर इस मैच में नहीं खेलेंगे, थंब इंजरी हो रखी है, और इनके रिप्लेसमेंट में डेन पैटरसन जो कि बॉलर है साउथ अफ्रीका के, इनको स्क्वाड में ऐड किया गया। हालांकि डेन पैटरसन के भी खेलने के ना के बराबर चांसेज हैं। और यहाँ पर अब जो प्लेइंग इलेवन हो सकती है साउथ अफ्रीका की, आमला और डीन एलगर ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर आएंगे माकरम, फिर आएंगे टैम बाउम्बा, फिर फाफ डुप्लेसिस और ट्रेवर बाउम्बा में कोई एक, 4 नंबर पर दूसरा 5 नंबर पर, इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, कोई भी आ सकता है। 6 नंबर पर आएंगे टिगॉक, 7 पे थेसिस डी ब्रायन, फिर आएंगे कविस रोबाडा, केशव महाराज, डेनियल स्टेन और ड्यूनर ऑलवियर। तो गाइज ये प्लेइंग इलेवन होने वाली है साउथ अफ्रीका की टीम की। अब बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की, तो चलिए गाइज ड्रीम इलेवन की टीम भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो गाइज ये मेरी टीम है। सबसे पहले विकेट कीपिंग के डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपिंग में दो ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक और सरफराज अहमद, दोनों ही एक जैसे अच्छे ऑप्शन है, दोनों ही मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। हालांकि सरफराज 7 नंबर पे आएंगे, क्विंटन डिकॉक 6 नंबर पे। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से तो डिकॉक है, लेकिन क्रेडिट पॉइंट डिकॉक के ज़्यादा है और क्रेडिट पॉइंट मेंटेन करने में इसमें थोड़ी दिक्कत आई है, जिसके कारण मैं डिकॉक के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहा हूँ। हालांकि सरफराज भी एक अच्छा ऑप्शन है। बैटिंग डिपार्टमेंट से बात करें तो हाशिम आमला, अजहर अली, फाफ डुप्लेसिस टॉप 3 जो 10.5 पॉइंट्स में है, तीनों को मैंने रखा हुआ है। उसके बाद अगले जो मैंने रखे हैं वो रखे मैंने इमामुल हक और एडिन माकरम। अब गाइज यहाँ पे अच्छे ऑप्शंस की मैं बात करूँ जो मेरे से छूट गए, अशार शफीक तो जरूर एक अच्छा ऑप्शन है, बाबर आजम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, डी लर्गर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ये तीनों छूट गए, क्रेडिट की यहाँ पे दिक्कत हो रही है। बाकी अगर आपको क्रेडिट मेंटेन करने तो फ़खर जमान को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अच्छे ऑप्शन की बात करूँ तो ऐसा तो कोई अच्छा ऑप्शन बैटिंग में है नहीं, लेकिन टैबा बामुम्बा और यहाँ से थेसिस डी ब्रायन, ये भी कुछ ऐसे ऑप्शन है जो आपके क्रेडिट मेंटेन करने में आ सकते हैं, जरूर उपयोग में आ सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा प्लेयर है जो छूट रहा है और आपको लगता है कि नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए ऐसा कुछ। ऑलराउंडर के डिपार्टमेंट से मैंने हैरिस सोहेल को रखा और केशव महाराज। गाइज हैरिस सोहेल को आप अपनी टीम में ज़रूर पिक कीजिए, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टीम से अगर आप किसी को कैप्टन बनाना चाहें तो बेस्ट ऑप्शन हैरिस सोहेल ही रहेगा। उसके बाद अगला मैंने रखा है केशव महाराज, बाकी वर्नॉन फिलेंडर जो हैं वो तो नहीं खेलेंगे, मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद बॉलिंग यूनिट से बात करें तो यासिर शाह, कागिसो रबाड़ा, हसन अली को रखा हुआ अपनी टीम में। अब यहाँ से एक चीज़ और है गाइज, यहाँ पे मैं डेल स्टेन और मोहम्मद अब्बास इनको भी अपनी टीम में रखना चाहता था, लेकिन देखिए क्रेडिट की पहली बात दिक्कत आई है, जैसे मैं यहाँ पे केशव महाराज की जगह अगर मैं चाहता तो डेल स्टेन रख लेता, लेकिन क्रेडिट की दिक्कत आई है, और हसन अली की जगह मैं मोहम्मद अब्बास को रखना चाहता था लेकिन क्रेडिट की वहाँ पे दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं नहीं रख पाया हूँ। बाकी अगर आप कहीं से मेंटेन करते हैं तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और थी मुझे यहाँ पे, मैंने इमामुल हक को अपनी टीम में रखा है, अदरवाइज मैं बाबर आजम या फिर अशाद शफीक को अपनी टीम में पिक करता। खैर कोई बात नहीं, इमामुल हक भी टेस्ट के हिसाब से अच्छा ऑप्शन है। चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मैंने बनाया एडिन माकरम को और वाइस कैप्टन बनाया मैंने कागिसो रबाडा को। चलिए गाइज टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, ये रहा मेरी टीम का प्रीव्यू। यहाँ पे आप देखेंगे तीन टॉप बैट्समैन साउथ अफ्रीका के रखे हैं मैंने, और दो टॉप बैट्समैन हैरिस सोहेल और अजहर अली पाकिस्तान से। अब गाइज यहाँ पे आपके पास एक दिमाग में ऑप्शन ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि रबाडा एक बॉलर को मैंने कैप्टन क्यों बनाया, देखिए इनकी कमजोरी वर्नॉन फिलेंडर के बाहर जाने के बाद इनके पास जो बॉलिंग में ऑप्शन है रबाडा है, केशव महाराज है, 4 जो बॉलर होंगे। उसके बाद दूसरे जो अगले जो होंगे वो होंगे डेन स्टेन
और जूनो सॉरी डेनियल ऑलवियर, तो ये ऑप्शन होंगे। अब गाइस ऑलवियर तो ज़्यादा ओवर कराएंगे नहीं, आपको पता है लीड बॉलर है नहीं, लीड बॉलर जो होंगे वो रबाडा और डेल स्टेन ही होंगे, और डेल स्टेन अभी हाल ही में इंजरी से आए हैं तो वो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा ओवर कराएंगे नहीं। तो मैक्सिमम ओवर स्पिन डिपार्टमेंट से केशव महाराज ही कराएंगे और रबाडा ही कराएंगे। दूसरा एक कारण रबाडा को वाइस कैप्टन बनाने का है वो ये कि वर्नॉन फिलेंडर इस मैच में नहीं खेलेंगे, इंजरी के कारण बाहर हो गए। तो बॉलर्स में तो चार बॉलर हैं उनमें सबसे ऊपर एक बैटिंग करने जो आता है जो टेल के तौर पर, जैसे हमारी टीम अश्विन इंडिया के लिए अश्विन आते हैं कुछ रन भी बना के देते हैं, उस तरह से रबाडा नीचे आ सकते हैं और 20-25 रन बना के हर इनिंग में दे सकते हैं आपको। तो वो कैप दोनों एक ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आप इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, उसी को सोचते हुए मैंने इनको पिक किया है। अदरवाइज मैं पाकिस्तान से किसी को बनाता तो मैं हैरिस सोहेल को यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाता। बाकी साउथ अफ्रीका से तो तीनों के तीनों बैट्समैन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, इनमें से किसी को भी बना दीजिए आप, तीनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है। गाइज ये टीम है, उम्मीद करते हैं आप इसके साथ कुछ वन पर कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गुड बाय गाइज, बाय एंड टेक केयर।